इंटरनेशनल फतेह अकेडमी ने 12वां वार्षिक कार्यक्रम गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को समर्पित मनाया गया। इस कार्यक्रम में अमरप्रीत सिंह खालसा एंड एशिया पैसिफिक बतौर मुख्य मेहमान जबकि श्रीमती सतवंत कौर असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल SGPC शेरजंग सिंह DPRO अमृतसर, दविंदर सिंह रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, राजकुमार मल्होत्रा पूर्व प्रधान नगर कौंसिल जंडियाला गुरु और रविंदर कौर विशेष तौर पर शामिल हुए। फतेह अकेडमी के चेयरमैन जगवीर सिंह ने कहा कि हम यह दिन परमात्मा की कृपा से हर वर्ष सफलतापूर्वक मनाते हैं। छात्रों ने कार्यक्रम की शुरुआत ऐसे बलबल जाइए शब्द गाकर की। छात्रों ने बहुत सारे गुरु नानक देव जी के शिक्षाओं को समर्पित कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पगड़ी के महत्व का बताने के संबंध में बच्चों द्वारा असली हीरो नामक प्रोग्राम पेश किया गया। उठ जाग पंजाब, जो पंजाब में छठा नशा का दरिया बह रहा है पर पेशकारी की गई, जिसके द्वारा लोगों को नशे से जो हालात पंजाब में हो रहे हैं के बारे में अवगत करवाया गया। मानवता को समर्पित खालसा एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जहां पर इस ट्रस्ट ने मुख्य तौर पर भूमिका निभाई के बारे में बताया गया और उनके द्वारा किए गए कामों की प्रशंसा भी की गई। लड़के और लड़कियों ने ड्रेस पहनकर एक सच्चे सिख बनने के लिए लोगों को प्रेरित किया। गिद्धा बाजीगरनी गिद्धा और भांगड़ा इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण रहे। छात्रों ने गतका पेश कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर मुख्य मेहमान ने छात्रों और स्टाफ द्वारा गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं पर प्रस्तुति कर प्रशंसा की। अकेडमी चेयरमैन जगवीर सिंह ने कहा कि हमें गुरु नानक देव जी की द्वारा दी गई शिक्षाओं पर चलना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में परमात्मा के साथ जुड़ने की सेध मिलती है। प्रिंसिपल इंटरनेशनल फतेह अकेडमी, फतेह वर्ड स्कूल रैया और फतेह वर्ड स्कूल गोल्डन गेट ने स्कूल के उपलब्धियों के बारे में वार्षिक रिपोर्ट द्वारा अवगत करवाया। अज इंटरनेशनल फतेह अकैडमी जो कि जंडियाला गुरु श्री अमृतसर साहब तो 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इतने असी 12वां एनुअल फंक्शन जो है अपना सैलीब्रेट किया, जिदे सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स टीचर स्टाफ मैंबरस ने रल के बहुत मेहनत करके जोड़ा सतगुरु साहब श्री गुरु नानक पातशाह जी ने समर्पित होकर 550 प्रकाश पुरब में समर्पित होकर अज का जो फंक्शन निभाया, ये जो गुरु नानक साहब ने सानू किरत करो नाम जपो वंड छको का जो सानू संदेश दिता, जो साडा कंसैप्ट आ सिद्धांत आ सिखी का, वो जड़ा सी अज मुख रखा गया।
उस तो बाद साढ़े पंजाबी पंजाबीयत की गल असी हमेशा हर साल इस मंच तो करते रहे हैं। वह भी असी बखूबी उसका मैसेज जो असी देना बनता सीगा जो साढ़े नशे का इत्थे वर्तारा चल रहा पंजाब दे विच, खास करके साड़ी एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ी हैगी उह फेलियर हैगी है। हमेशा सानू यही गल कही जाती है कि सरकारां जिहड़ियां ने कुछ कर नहीं दिंदियां, पर इस सरकार दे विच तां मेरे हिसाब नाल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कुछ कर सकती सी पर नहीं किया गया। पर फिर भी चलो साडा फर्ज सी कि आम संगत तक इस चीज़ की आवाज़ उठाउणी कि जो पंजाब दे कृतियां चल रही ने, जो पंजाब दे बच्चों का खून पीता जा रहा वो गल करिए, जो साढ़े बच्चे पंजाब छड़ के बाहर जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं, किहड़ियां मुश्किलां करके जा रहे वो गल की। नंबर तीन ते साडा जिहड़ा खालसा एड संस्था जिहड़ी सिखां दा बहुत वड्डा माण है ते उहदे संस्थापक सरदार रवि सिंह जी जो कि कल परसों ही अजे सिर्फ सीरिया तो इंग्लैंड पहुँचे, उन्होंने आना सीगा परंतु उन्होंने एबसेंस के उन्होंने डायरैक्टर ऑफ एशिया पैसिफिक जो इतने सरदार अमरप्रीत सिंह जी है वह अज हाजरी लवा आए थे तो वह साढ़े मुख मेहमान से। बाकी जिहड़ियां सिख संस्थावां सीगियां साढ़े इलाके दियां खास करके साढ़े आले दुआले इलाके दियां टांगरे तो रईया तो अमृतसर साहब तो तरन तारण साहब तो जंडियाला गुरु तो उन्होंने संस्थावां नूं असीं सन्मान चिन्ह दिते ने तां जो होर उन्होंने एप्रीशिएशन तो वधा होर इनकरेज हो के अपने वध तो वध जो है फर्ज निभाउण। तो गुरु नानक पातशाह का जो संदेश है नाम जपो किरत करो वंड छको वाला असी घर घर पहुँचा सकिए। जंडियाला गुरु से प्रकट सिंह और कवलजीत सिंह की रिपोर्ट।